नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4 के लिए जीएस पार्ट, जिसमें हम बीपीएससी तैयारी 1, तैयारी 2 और तैयारी 3 के जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुए हैं सारे के प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे। हम मैथ को छोड़ के उसके बाद से जो भी उसके टॉपिक हैं, करेंट अफेयर, जीएस और साइंस, सारे पार्ट को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी दृष्टिपटल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो सही होगा हमारा दृष्टिपटल, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो जहाँ भी नहीं आए उसको आप हमेशा हाईलाइट कर लो, नहीं है। तो इनमें से अंडाशय और गर्भाशय ये दोनों मादा जनन तंत्र के भाग हैं। इनमें से अगर आप आंसर एग्जैक्ट देखा जाए तो वो आपका आंसर होगा ये शुक्रवाहिका, ये भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराग कोष में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, परागकण, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा वो होगा, बीपीएससी ने हम माना है परागकण को, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फिर हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इनमें होता है ऑप्शन बी ईस्ट में। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? ए प्रतिजैविक का, बी प्रतिअम्ल का, सी पीड़ाहारी का, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतिअम्ल। आगे देखते हैं। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके लिए किया जाएगा? तो डाक विभाग द्वारा, जनगणना विभाग द्वारा, केंद्रीय सुरक्षा IB द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ये इसका आंसर जो होगा डाक विभाग द्वारा, ये भी सही है, जनगणना विभाग द्वारा ये भी सही है, केंद्रीय सुरक्षा IB द्वारा ये भी सही है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है? थाईलैंड, म्यांमार, मॉरिशस, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो BPSC ने यहाँ पे जो आंसर माना है, BPSC ने यहाँ पे जो आंसर माना है वो माना है मॉरिशस को, मॉरिशस इज करेक्ट। आगे देखते हैं। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है, ऑप्शन ए आकाश, आकाशयान, ऑप्शन बी गगनयान, ऑप्शन सी ब्रह्मयान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन बी सही है, गगनयान यहाँ पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो मैंने आपको कहा कि जहाँ भी नहीं आए आप उसको हमेशा वहाँ चौकन्ने हो जाइए, नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा रसिया होगा, रसिया इसका सदस्य नहीं है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन बी डिहाइड्रो
जेनेसिस, ऑप्शन सी निर्जलीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बीपीएससी ने जो करेक्ट माना है वो इलेक्ट्रोलाइसिस माना है। यहाँ पे ऑप्शन ए इस करेक्ट हुआ। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? ऑप्शन ए डीप फेक, ऑप्शन बी एआई, ऑप्शन सी चैट बोट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में पहले बीपीएससी ने जो आंसर करेक्ट आंसर माना था वो माना था ऑप्शन डी को, इनमें से एक से अधिक। जब फिर से रिवाइज आंसर की आया तो बीपीएससी ने इसे डिलीट कर दिया, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन डिलीट है। फिर आगे देखते हैं 53 क्वेश्चन। 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी पाकिस्तान। आगे देखते हैं किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है, यानी कि चंद्रमा के जैसे दिखने वाला कौन सा ग्रह है? तो ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा, ये होगा हमारा बुध, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी जेरूसलम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव जीवाश्म का जो केंद्र है वो हमारा है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बाढ़ क्षेत्रों में, बीकानेर में, अरावली प्रदेश में, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसे बीपीएससी ने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को माना है, इनमें से एक से अधिक, यानी कि बाढ़ क्षेत्र में भी, बीकानेर में भी और अरावली क्षेत्र में भी। आगे देखते हैं बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के रोहतास जिले में धान का जो खेती होता है वो सर्वाधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, रोहतास। आगे देखते हैं तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? ऑप्शन ए अलबुर्ज, ऑप्शन बी जैग्रोस, ऑप्शन सी मकरान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अलबुर्ज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अलबुर्ज। आगे देखते हैं भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये, इसका आंसर बीपीएससी ने इनमें से कोई नहीं को माना है, ऑप्शन नंबर ई को इसमें करेक्ट माना है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? ऑप्शन ए कृषिगत फैलाव, ऑप्शन बी बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, ऑप्शन सी चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी करड़ उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बीपीएससी ने करेक्ट आंसर सी को माना है, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कड़। आगे देखते हैं बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का सबसे ज़्यादा वो होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63। जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी जेम्स फोर्ड, ऑप्शन सी
लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो बीपीएससी ने माना है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को माना है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी डब्ल्यू सी बैनर्जी, ऑप्शन सी बद्रुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू सी बैनर्जी या ब्योमेश चंद्र बैनर्जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एम के गांधी द्वारा शुरू किए गए थे, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी गांधी जी ने स्टार्ट किया था, असहयोग आंदोलन भी गांधी जी ने स्टार्ट किया था, स्वदेशी आंदोलन भी गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेता था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ये इनको ये बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था तभी इनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंध नहीं था, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सरोजिनी नायडू, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बीपीएससी ने इसका करेक्ट आंसर जो माना है वो माना है बीपीएससी ने उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी, तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने सिक्सटी नाइन नंबर के क्वेश्चन को बीपीएससी ने इस वाले को डिलीट कर दिया है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। आगे देखते हैं 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जयप्रकाश नारायण के, स्वामी सहजानंद सरस्वती के, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहजानंद सरस्वती। तो आज के इस सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जो GS का ही होगा और PPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे। थैंक यू सो मच।